अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे, जो कि खाने में बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं और ये बच्चे से लेके बड़े तक को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इस लाजवाब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम बॉल में मैदा ऐड कर देंगे। मैदा मैंने 2 कप लिया है। मेजरमेंट से 500 ml मैदा लिया है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। जितना नमक ले उतना ही चीनी लें और 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब इसे इस तरह से बीच में खाली कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही ऐड करेंगे और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही ऐड करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमारे भटूरे के आटे का डो तैयार है। इसे गूंदने में मुझे 1/2 कप दही लगा। दही आप रूम टेम्परेचर पे ही ले, ठंडा ना ले, वरना भटूरे फ्राई करते समय ये फूलेंगे नहीं। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अब हम छोले बना लेते हैं। यहाँ मैंने काबली चने को ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया था। मैंने यहाँ 1 कप काबली चना लिया है और मैंने इसे प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लिया है। ये देखिए चना सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हम 1 मिनट सॉटे करेंगे। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का ऐड करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे। 1 छोटी इलायची और 2 लौंग ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 1 मीडियम साइज का लिया, जिसे बारीक काट लिया है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ मैंने छोले का पानी लिया था जो उबालते वक्त बच गया था। इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी बनाई है और इसे भी 2 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम छोले ऐड करेंगे। इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे। छोले को उबालते समय मैंने नमक ऐड नहीं किया था। आप चाहें तो छोला उबालते समय भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। भुनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और इसे भी अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसे ढक के 2 मिनट तक कुक करेंगे। आप छोले की ग्रेवी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। छोला हमारा बनके तैयार है। अब हम भटूरे बनाने की तरफ चलते हैं। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। अब इसे हम एक बार और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देते हैं। अब इसके हम बॉल बना लेते हैं। इसी तरह सारे बॉल बना लेते हैं। अब हम भटूरे बेल लेते हैं। सबसे पहले लोई पे थोड़े से तेल लगा लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। भटूरे का साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं।
हमारा एक भटूरा बेल के तैयार है। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें भटूरे फ्राई कर लेते हैं। भटूरे केयरफुली डालें ताकि हाथ ना जले। इसे इस तरह से हल्का हल्का चम्मच से दबाते दबाते जाए, ये अपने आप ही फूलने लगेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन फूल गया है। अब इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे। अब इसे हम दूसरे साइड पलट देते हैं। भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम दूसरा भटूरा फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हल्का हल्का चम्मच से दबाते जाएं। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से फूल गया। अब इसे हम पलट देते हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। हमारा दूसरा भटूरा भी बनके तैयार है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स भटूरे बनके तैयार है। अब इसे हम छोले के साथ सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे छोले भटूरे बनके तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। ये बच्चे से लेके बड़े तक को बहुत पसंद आता है। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।